हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल ऑन साइकोलॉजी। मैं हूं शार्दुल और आज हम बात करेंगे कि भाग्य को वश में रखने के लिए कौन से ऐसे तीन काम हैं जो बिल्कुल नहीं करने चाहिए। दोस्तों, ज्ञानियों के अनुसार कर्म ही भाग्य है। एक कर्मवान मनुष्य हमेशा ही अपने भाग्य का निर्माता होता है, ना कि उसका दास। ऐसा इसलिए क्योंकि भाग्य पर किसी का बस नहीं चलता, बावजूद इसके यह हमेशा कर्म के अनुरूप ही निर्मित होता है। अतः जो मनुष्य हमेशा अपने कर्तव्य करता है, भाग्य हमेशा उसी का साथ देता है। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि जीवन में किस्मत का साथ आपको हमेशा मिले, तो ये तीन काम जो मैं आपको आगे बताने वाली हूँ उसको करने से हमेशा बचें। पहला है बार बार एक ही भूल करना। हाँ जी दोस्तों, बार बार एक ही भूल ना करें, क्योंकि ये मूर्खता होती है और लगातार इसे दोहराना अपराध की श्रेणी में आता है। ऐसा इसलिए क्योंकि भावी पीढ़ी इसे ही पदचिन्ह मानकर आगे बढ़ती है। अतः एक ही गलती बार बार दोहराना आपको पापी मनुष्य की श्रेणी में ले आता है, जिससे कभी भी भाग्य का साथ नहीं मिल सकता। दूसरा होता है परिश्रम रहित मार्ग का चुनाव। दोस्तों, सफलता के लिए परिश्रम से रहित या कम परिश्रम के साथ होने वाला आसान मार्ग का चुनाव करना आपको हमेशा ही भाग्य का दास बनाएगा। चाहे वो धन कमाना हो, अध्ययन करना हो या कोई अन्य कार्य, किसी भी काम को सफलतापूर्वक पूर्णता देने के लिए मानसिक और शारीरिक श्रम की आवश्यकता होती है। इन कार्यों को पूरा होने के लिए जहां समय देने की आवश्यकता होती है, वहीं अनुकूल परिणामों की प्राप्ति के लिए धैर्य के साथ इंतजार की भी आवश्यकता होती है। ऐसे में अगर आप इनके सरल विकल्प अपना लेते हैं तो तुरंत परिणाम तो मिलेंगे, लेकिन वो दूरगामी फलीभूत नहीं होगा। या ये कहें कि बस थोड़े समय के लिए ही ये परिणाम दिखेगा। उदाहरण के लिए, जैसे कई लोग जल्दी धन कमाने के लिए झूठ छल आदि का सहारा लेते हैं, कई लोग जुआ सट्टा आदि का मार्ग भी अपना लेते हैं, जिससे उन्हें तुरंत धन लाभ प्राप्त होता तो दिखता है, लेकिन धीरे धीरे ये धन कमाने का लालच बढ़ता जाता है और व्यक्ति अपनी मनुष्यता खोने लगता है। इस प्रकार वो अपने अनुचित कार्यों को करते हुए कई और प्रकार के अनुचित कार्य करने के लिए भी प्रेरित हो जाता है, जो उसे पतन के गर्त में ले जाते हैं। आखिरकार आगे जाकर वह ना केवल अपना धन खोता है, बल्कि प्रतिष्ठा सम्मान खोकर दुर्भाग्य का शिकार भी हो जाता है। इसलिए जो परिश्रम से नहीं मिला, उसका फल भी हमेशा आपके लिए क्षणभंगुर ही रहेगा और आप हमेशा बुरे परिणामों के लिए भाग्य को कोसते रहेंगे। दोस्तों, तीसरा होता है अधिक बोलना। हाँ, ज्ञानियों का कथन है कि अधिक बोलना नाश को निमंत्रण देता है। शास्त्रों के अनुसार बोलने से अधिक सुनना और समझना आवश्यक है। बोलने की अति में आप अक्सर प्रसंग को पूरी तरह सुन और समझ नहीं पाते। ऐसे में अतिरेक बोलने की आदत वश कई बार आप ऐसे शब्द भी बोल जाते हैं जो हर रूप में आपके लिए हानिप्रद हो सकते हैं। ऐसे में संभव है कि आप अपने या दूसरों के रहस्य भी उजागर कर दें, जो आपको किसी का विश्वास पात्र भी नहीं बनने देगा। यह आपकी तरक्की के मार्ग में रुकावट भी बन सकता है और आप अपने हर काम के लिए भाग्य का साथ ना होने का दुख मनाएंगे। इसलिए अत्यधिक बोलने से बचें। तो दोस्तों, इन तीन कामों को करने से अगर आप बचे रहेंगे तो आपका भाग्य हमेशा आपके साथ रहेगा। तो इसी शुभकामनाओं के साथ इस वीडियो को मैं यहीं समाप्त करती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमसे जुड़ने के लिए। वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और हमेशा इसी तरह हमसे जुड़े रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।